हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, आज हमारे गोल्डन क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी ने यहां पे एक ट्रेड दिया हुआ है, आज धमाकेदार ट्रेड दिया। ये देखिए, यहां पे जब भी क्रॉसओवर हो गया था तो नीचे की साइड में एक अच्छा मोमेंटम आ गया था। इस टाइम पे मैं लाइव गया था, मेरा लाइव लर्निंग कोर्स है, उस कोर्स में जो स्टूडेंट्स है उनके साथ में लाइव क्लास में था, तभी मैंने ये वाला कॉल उनको दिया था 47,300 का। ये 240 के आसपास में उनको लाइव एंट्री सिखाया था किस तरीके से एंट्री लेना है, और यहाँ पे हम लोग ने कहीं पे 240 पे एंट्री लिया था, और सेम यहाँ पे मोमेंटम 360 तक हम लोग ने यहाँ पे दो चार लॉक से ट्रेड करके यहाँ पे ट्रेल कर करके प्रॉफिट किया। अगर आपको ये ज्वाइन करना रहेगा तो आप भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस से आप कोर्स कर सकते हो। एक महीने तक कोर्स रहेगा, उसमें आपको लाइव भी सिखाया जाएगा। तो देखिए, गोल्डन क्रॉसओवर ने आज लॉस कर दिया, कल भी यहाँ पे छोटा सा ट्रेड यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर ने दिया था, कोई अच्छा नहीं दिया था। परसों के दिन देखने जाए तो परसों के दिन यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड गोल्डन क्रॉसओवर ने सेम उसी टाइम पे दिया था, एक दो बजे के आसपास। उस टाइम पे भी मैं लाइव था यहाँ पे स्टूडेंट के साथ में, तो हम लोग ने ये वाला ट्रेड भी लाइव किया था। और उसके पहले भी आप देख सकते हो गोल्डन क्रॉसओवर ने यहाँ पे मॉर्निंग में ही ट्रेड दे दिया था। मॉर्निंग में ट्रेड देने के बाद धीरे 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 करके शाम तक यहाँ पे टारगेट भी हो गया। उसके पहले दिन भी आप देख सकते हो यहाँ पे मॉर्निंग में एक ट्रेड मिला था, नीचे के साइड में मोमेंटम मिला। इस यहाँ पे एक इवनिंग में ऊपर के साइड में भी ट्रेड मिला था। बाद में देखिए यहाँ पे भी एक रिटेस्ट पे यहाँ पे ट्रेड मिला था। उसके पहले भी आप देख सकते हो यहाँ इस दिन तो कोई ट्रेड ही नहीं मिला। उसके दिन देखिए, ये छोटा सा मोमेंट, कभी कभार ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलता है तो बड़ा मोमेंट। ये देखिए यहाँ पे इस दिन देखिए यहाँ पे रिटेस्ट में अच्छा खासा ऊपर से मोमेंट मिला था। ये देखिए यहाँ कहीं पे क्रॉस ओवर हो गया था 2-3 बजे के आसपास, और यहाँ पे नीचे के साइड में एक मोमेंटम हो गया था। तो ये आपको प्रैक्टिस मैंने करके भी दिखाया। आप हमारा डेली वीडियो देख रहे रहेंगे तो आपको पता रहेगा गोल्डन क्रॉसओवर किस तरीके से वर्क करता है। आप जाके टेलीग्राम पे प्रीवियस डाटा भी चेक कर लेना, वहाँ पे आपको गोल्डन स्ट्रैटेजी के बहुत सारे आपको सेटअप्स मिलेंगे, आपको देखने में उसमें आइडिया आ जाएगी किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए अभी कल के लिए क्या मोमेंटम होना चाहिए बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सुबह से कुछ भी मोमेंटम नहीं किया था, जैसे ही गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, तो जैसे ये क्रॉसओवर हो गया तब यहाँ पे तो ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे क्यों नहीं लेना है वो आपको स्ट्रैटेजी के बारे में आपको सिखाया जाएगा, जब आप लाइव क्लास लोगे तभी आपको पता चलेगा। तो मैंने ये टाइम पे लाइव आया था, हम लोग यहाँ तक एक डेढ़ घंटा वेट किए, उसके बाद में हम लोग को यहाँ पे सेटअप मिला। तो यहाँ से हम लोग का नीचे के साइड में एक अच्छा टारगेट मिला। ऑप्शन का चार्ट भी आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ऑप्शन चार्ट दिखाया, शायद 240 पे हम लोग ने यहाँ पे एंट्री लिया था, और देखिए 360-380 और कितना बुक कर रहे हो, 150 पॉइंट 30-40 पॉइंट आपको आराम से भी मिल जाता ना। तो अगर ये परचेस करना रहेगा तो आप परचेस कर सकते हो। तो कल के लिए अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या व्यू रहेगा, कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, ये भी ये जो है ये सपोर्ट अभी काम करेगा, और ये रेजिस्टेंस, ये वाला जो जोन है ना, ये नो ट्रेड जोन है, इसके अंदर आपको ट्रेड ही नहीं करना है बैंक निफ्टी में। क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था इस जोन के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। तो मार्केट ने यहाँ पे इस जोन के ऊपर ओपनिंग दिया, लेकिन यहाँ पे और एक जोन बनाया, तो आपको इसी जोन में ट्रेड नहीं करना होता। आप जब भी सेटअप मिलता है गोल्डन क्रॉसओवर पे आप ट्रेड करोगे तो बड़ी मुश्किल से एक नहीं तो दो ही ट्रेड आपको मिलेगा, वो भी अच्छा ही मिलेगा। तो आपको अगर परचेस करना कर सकते हो। तो नीचे के साइड में जब भी मोमेंटम आएगा तभी ये वाला सपोर्ट यहाँ पे ऊपर होकर नीचे के साइड में ब्रेकआउट करेगा, तो 47,000 तक एक मोमेंटम आ सकता है। ऊपर के साइड में कोई व्यू नहीं है, अगर होता है 47,650 के आसपास में ऊपर होकर ऊपर साइड ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के साइड में जा सकता है। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कहीं पे भी इस वाली रेंज के अंदर ओपन हो जाता है तो आपको नो ट्रेड है। यहाँ पे कहीं पे ओपन होकर ऊपर जाता है नीचे जाता है तो मैं यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे मूवमेंट चाहिए 47,650 के ऊपर, और यहाँ पे 47,250 के नीचे अगर मिलता है मुझे बैंक निफ्टी तभी मैं ट्रेड करने वाला हूँ। अदरवाइज मैं बैंक निफ्टी में कल ट्रेड ही नहीं करूँगा। मोस्ट ऑफ द डे मैं यहाँ पे फ्राइडे में ट्रेड ही नहीं करता हूँ, मैं फ्राइडे में यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, क्योंकि फ्राइडे में प्रीमियम का बहुत शॉर्ट रहता है, प्रीमियम यहाँ पे पड़ता नहीं है। कल शायद मैं लाइव आया तो भी ठीक है, अगर आप लाइव चाहेंगे, आप अगर फ्री में लाइव आना चाहेंगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इस वाले वीडियो पे। तो ऐसे एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।